हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ में फिजिक्स का एक चैप्टर लाइट, चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लास टेंथ में ये फिजिक्स का टॉपिक काफ़ी एक यूनिक और डिफरेंट टॉपिक आया था टेंथ वालों के लिए, जो नाइन्थ क्लास में कहीं भी इनके कोरिलेट नहीं करता, तो काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है। और ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से 5, 6 या 7 मार्क्स तक जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं। एक 5 मार्क्स में न्यूमेरिकल आ सकता है, 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन बच्चे इसे स्किप कर देते हैं। ये तो सर हमें समझ में ही नहीं आया, ये तो हमारे दिमाग के ऊपर से जा रहा है, हम इसे नहीं करेंगे। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना, ये चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा और समझ में ना आए मेरी गारंटी। मेरे साथ पूरा करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ये चैप्टर आपको समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे उसे कहते हैं इकबाल सर। एजुकेशन विद योर फन, हम शुरू करते हैं जी फन के साथ। किस तरीके से हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे, कला कला जो डाउट है, सिंगल सिंगल प्रॉब्लम आपकी मैं सॉल्व करूंगा यहां पर इस चैप्टर में। हम फर्स्टली जो शुरुआत है वो करेंगे इस चैप्टर के नेम से। देखिए इस चैप्टर का नेम है लाइट, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम फिलहाल रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। बट लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो मेन कंटेंट है इस चैप्टर में वो लाइट है। लाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लाइट क्या है, क्या रोल है लाइट का, तो जो लाइट है उसका क्या काम है, लाइट का फंक्शन क्या है हमारी लाइफ के अंदर, किस तरीके से जो लाइट है वो काम करती है, जिस चैप्टर के अंदर लाइट का क्या सीन है। तो आपको बता दूं जो लाइट है, लाइट का एक ही काम है, क्या काम है लाइट का, विजन। लाइट जो है वो देखने में काम आती है, लाइट से हमारी जो विजुअल कैपेसिटी है वो अच्छी होती है। स्ट्रॉन्गर लाइट है विजुअल पावर अच्छी होगी, वीक लाइट है विजुअल पावर पुअर होगी। यहां पर अब रूम में आपके पास वीक लाइट है, आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, अब स्ट्रॉन्ग लाइट है, अब हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये वीक और स्ट्रॉन्ग जो लाइट है ये भी एक फिक्स इंटेंसिटी तक आपकी आइज तक आनी चाहिए। अगर एकदम से ज्यादा ब्राइट लाइट, फुली इंटेंसिटी की लाइट आपकी आंखों पर आ जाती है, आप अंधे भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहां पर ये डिस्कस करें कि जो लाइट है, लाइट का आपकी जो जिंदगी है खूबसूरत सी, उसमें रंग भरने का जो काम है वो कौन करता है, लाइट। अब वो काम कैसे करता है रंग भरने का, मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक डार्क रूम के अंदर प्रेजेंट है, मींस ये एक ऐसे रूम में पड़ा हुआ है जहां पर इसको लाइट नहीं मिल रही, ये बिल्कुल अंधेरे के अंदर है। अब ये ऑब्जेक्ट अंधेरे में तो क्या हमें दिखाई देगा का, नहीं देगा। अब ये दिखाई कैसे देगा, जैसे इसके ऊपर लाइट आएगी, अगर उसमें हमने एक छोटा 0 वाट वाला बल्ब लगा दिया, हमें थोड़ा सा ऐसे लगे हल्का सा यार कुछ पड़ा है वहां पर, थोड़ा सा और लाइट, अरे हाँ हाँ दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा है, लाइट और हो पूरी बड़ी लाइट, अच्छा ये तो चेयर थी, मेरे को ऐसा लगा इंसान बैठा है। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी हमारी जो विजुअल पावर है वो क्लियर होगी। अब ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट अगर डार्क रूम में है तो हमें ये दिखाई नहीं देगा, जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पर लाइट आएगी ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। जस्ट इमेजिन मैंने बल्ब ऑन किया, बल्ब ऑन करते ही इस ऑब्जेक्ट पर लाइट आई इस तरीके से, जैसे ही मैंने बल्ब ऑन किया, बल्ब ऑन करते ही इस ऑब्जेक्ट पर लाइट आई, जैसे ही लाइट इस ऑब्जेक्ट पर आएगी आते ही वो लाइट की जो रेज है वो टकरा के वापिस चली जाएंगी। जैसे लाइट की रेज आई वो टकरा के वापिस चली गई, जिसे हम बोलेंगे बाउंस बैक या जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे ही लाइट की रेज इस ऑब्जेक्ट पर आई आते ही वो टकरा के वापिस चली गई। अब आने वाली रे को मैंने अलग एरो से रिप्रेजेंट किया है, जाने वाली रे को मैंने अलग तरीके का, देखो एरो का जो डायरेक्शन है वो मैंने चेंज कर दी। आपको लाइट की रे जो है वो आती हुई भी दिखाई दे रही है, जाती हुई भी दिखाई दे रही है। अब ऑब्जेक्ट पर लाइट आई, आने के बाद उसका रिफ्लेक्शन हो गया और वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देने लगा। लेकिन कैसे, आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। देखिए मेरे पास एक वर्कशीट है, ओह कोइंसिडेंस, देखो लाइट चैप्टर की ही वर्कशीट है। अब ये एक वर्कशीट है, इसमें 1 लिखा हुआ है लेकिन 10 चैप्टर है। कहीं बोलोगे सर ये तो चैप्टर 1 की है, 10 चैप्टर की है। अब ये वर्कशीट है, अब यहां पर देखिए, अब ये खूबसूरत सी फोटो वाला इंसान आपको जो पढ़ा रहा है, अब ये फोटो आपको दिखाई दे रही है, मतलब ये पेज जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे को ये पेज दिखाई नहीं दे रहा। अब आप लोगों को ये पेज दिखाई दे रहा है लेकिन मेरे को मेरी फोटो वाला पेज दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे को मेरी फोटो से बड़ा प्यार है। अब इस ऑब्जेक्ट पर लाइट आ रही है चारों तरफ से, इधर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी लाइट आ रही है, लेफ्ट से भी आ रही है, राइट से भी आ रही है, फ्रंट से भी आ रही है, बैक से भी आ रही है,
लेकिन जैसे ही लाइट आएगी, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, लाइट की रेज आई वो टकरा के वापस जाएंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद जो लाइट की रेज आपकी आंखों पर आएगी वो पार्ट आपको दिखाई देगा, जो लाइट की रेज मेरी आंखों पर आएगी वो पार्ट मेरे को दिखाई देगा। लेकिन हमें पूरे यूनिवर्स में, इस सुंदर सी खूबसूरत सी दुनिया में आपको ये डस्टर दिखाई दे रहा है, ये एसी का रिमोट दिखाई दे रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट जो दिखाई दे रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं होगी हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई नहीं देगा। हर एक ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो लाइट से। तो इस चैप्टर में लाइट के बारे में कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं है, बट लाइट के बिना ये चैप्टर नहीं है। लाइट कोई एक टॉपिक नहीं है कि जिसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल आएंगे, ये आएगा वो आएगा, बट लाइट के बिना ये चैप्टर नहीं है, लाइट के बिना हमारी दुनिया नहीं है। ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन अबाउट लाइट। लाइट हमें देखने में हेल्प करेगी, अगर लाइट नहीं है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अगर लाइट है तो हमें सब कुछ दिखाई देगा। अब लाइट जो है वो हमें विजन में, मतलब देखने में हमारी हेल्प करती है, यहां तक हमने डिस्कस करे। लेकिन लाइट जो है वो अगर देखने में हमारी हेल्प करेगी तो कैसे कर रही है? लाइट हमारी देखने में हेल्प कर रही है जी रिफ्लेक्शन की हेल्प से। कि रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट की रेज आपकी आंखों पर आएगी, वो पार्ट आपको दिखाई देगा। अगर रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं तो लाइट की रे आपकी आंखों पर आएगी नहीं, लाइट की रे अगर आपकी आंखों पर आएगी नहीं तो वो पार्ट आपको दिखाई देगा ही नहीं। मीन्स आपको जो भी पार्ट दिखाई दे रहा है वो दे रहा है विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। बिना रिफ्लेक्शन के आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है? रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन होती है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस।